दुनिया चला दूंगा पापा। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब एनिमल की डे वन की यानी कल की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। मतलब कितना हिंदी से कलेक्शन किया है, कितना अदर लैंग्वेज से कलेक्शन किया है। और दूसरी चीज़ यार, एडल्ट कंटेंट को बहुत ज़्यादा प्यार मिलने की ये शुरुआत हो चुकी है। एनिमल ने वो नींव रख दी है जहाँ ए सर्टिफिकेट मूवी को भी इतना ज़्यादा प्यार मिल सकता है। भाई इंडियन सिनेमा में हमने पहले कभी नहीं देखा था। सिर्फ फैमिली कंटेंट मूवी ही अभी तक बहुत ज़्यादा हाइप लेकर बैठी थी। लाइक हम जवान पठान की बात कर लें तो फैमिली कॉन्टेंट मूवी थी। लाइक लियो की बात कर लें जो 100 करोड़ टच कर रही थी, भाई साहब एनिमल ने ठोक के मारा है और ज़बरदस्त तरीके से। तो अभी सब चीज़ों पर बात करेंगे, कैसा क्या कलेक्शन रहा, कैसी क्या ऑक्यूपेंसी रही है, आज कैसा डे टू पे कैसा रुझान देखने को मिल रहा है, मूवी को रिव्यू कैसे मिले गए हैं, कल डे वन पर कैसी क्या कलेक्शन रही है, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब नॉन हॉलीडे था, फ्राइडे वर्किंग डे है, उसके बाद नो फेस्टिवल, कोई भी फेस्टिवल नहीं था, देन नो फ्रेंचाइजी। टाइगर 3 को इतना ज़्यादा बूस्ट क्यों मिला, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी थर्ड पार्ट था टाइगर का। देन बाहुबली 2 को इतना ज़्यादा क्यों मिला भाव, क्योंकि वो फ्रेंचाइजी थी, सेकंड पार्ट था, लेकिन ये सिंगल अपने कंधे पर ये मूवी आई थी। ना कोई बड़ा स्टार, ना कोई बिग स्टार का कैमियो, एडल्ट कंटेंट, 3 घंटे प्लस की मूवी है, रन टाइम भी बहुत ज़्यादा, मतलब देखा जाए तो हर तरीके से पिटफॉल्स ही पिटफॉल्स थे, लेकिन उन सारे पिटफॉल्स ने एक एडवांटेज क्रिएट कर दिया इस मूवी को आगे बढ़ाने में। रणबीर कपूर ने खुद अपने कंधे पे, बॉबी देओल ने खुद अपने कंधे पे, संदीप रेड्डी वांगा, इन तीनों ने मिल के, और भी बिग स्टार हैं, और भी बड़ी कास्ट हैं, सभी ने मिल के अपना अपना जितना इनका पार्ट था अपना बहुत ही बेहतरीन अंदाज में इन्होंने रोल निभाया, और उसके बाद ये मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट, 2023 की वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर ग्रॉसर मूवी बना दी, जिसने पहले दिन इतनी ज़बरदस्त ओपनिंग ली है। भाई साहब सिर्फ हिंदी से इस मूवी ने 54 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि ह्यूज ह्यूज कलेक्शन है। उसके बाद साउथ में जो भी लैंग्वेज थी, तमिल, तेलुगु एंड कन्नड़ा, मलयालम, इन सारी अदर लैंग्वेज से मूवी ने लगभग में लगभग 9 करोड़ 5 लाख के आसपास कलेक्शन करा है। भाई साउथ में भी बहुत बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है। वही मंजर शुरू हुआ जैसे जवान के टाइम पे हुआ था, जवान को भी साउथ में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला था। साइड डे वन की ओपनिंग जवान की भी 8 से 9 या फिर 10 करोड़ के आसपास थी साउथ रीजन में, साउथ बेल्ट में। उसी के हिसाब से एनिमल मूवी को भी बहुत अच्छा प्यार मिला। मतलब ए सर्टिफिकेट मूवी है, एडल्ट कंटेंट है, बावजूद इसके ये मूवी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी मूवी के बराबरी कर रही है, ना कि बराबरी कर रही है, उनके रिकॉर्ड तक को ब्रेक डाउन कर रही है। तो भाई साहब नेट इंडिया से ऑल लैंग्वेज मिलाकर, हिंदी, तमिल, तेलुगु, सभी लैंग्वेज को मिलाकर कल डे वन पर इस मूवी ने लगभग में लगभग 63 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया है। ह्यूज ह्यूज कलेक्शन, पठान के डे वन के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में जवान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन नहीं कर पाई है। नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में पठान के रिकॉर्ड को ब्रेक डाउन कर दिया। दूसरी तरफ टाइगर 3 के रिकॉर्ड को भी ब्रेक डाउन कर दिया, एंड जेलर रजनीकांत की जो ब्लॉकबस्टर मूवी थी उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में। भाई साहब ह्यूज कलेक्शन, थर्ड नंबर की बेस्ट ओपनर मूवी बन चुकी है इस साल की 2023 की। नंबर वन पर जवान है, देन लियो है, नाउ एनिमल, ए सर्टिफिकेट है। भाई रन टाइम बहुत ज़्यादा है, कोई भी बड़े स्टार का कैमियो चेहरा कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मूवी अपने दम पे, कंटेंट के दम पर ये मूवी ऊपर आई है, और भाई साहब फाड़ कर ऊपर आई है। तो इसी के साथ अगर हिंदी लैंग्वेज की देखें, हिंदी लैंग्वेज में कौन कौन सी फिल्म ने बेस्ट फाड़ के रखा है, भाई जवान नंबर वन पर है जिसने सिंगल डे ओपनिंग में 65 करोड़ 50 लाख की कमाई करी थी। पठान सेकेंड नंबर पर है जिसने 55 करोड़ की कमाई करी है। देन एनिमल थर्ड नंबर पर आ चुकी है जिसने 54 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है अपने पहले दिन में सिर्फ हिंदी सिंगल लैंग्वेज से। KGF 2 ने हिंदी से 53 करोड़ 95 लाख ठोक के मारा था। वॉर मूवीज ने 51 करोड़ 60 लाख के आसपास ठोक के मारा था। तो भाई साहब एनिमल थर्ड नंबर पर आ चुकी है। वही यार मैं फिर कह रहा हूँ, ए सर्टिफिकेट मूवी है, बावजूद इसके इस मूवी को बहुत प्यार मिला है, क्योंकि कंटेंट इज द की जो सोसाइटी की चीज़ है, जो अपने घर कहानी की, यार एक बाप बेटे में जो एक बॉन्ड गैप आ जाता है, उस बॉन्ड को बहुत अच्छी तरीके से निखार के दिखाने की कोशिश करी है। बाय गॉड, आपने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप देखें, एक बार के लिए आपकी आँखें गीली हो जाएंगी। अगर आपका ऐसा डार्क फेस रहा है अपने चाइल्डहुड में या फिर अपने बचपने में कभी अपने बाप के साथ, तो वैसा वाला कनेक्शन, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिली है।
भाई वो भी सॉलिड है, आज भी जबरदस्त कमाई करते नजर आ रही है, आज वर्ल्ड वाइड, हाँ कल डे वन पर ओवरसीज से भी जबरदस्त कमाई आई है, उसके बाद वर्ल्ड वाइड कलेक्शन पूरे दिन का, कल ओपनिंग डे का रहा है 116 करोड़, भाई ह्यूज ग्रोथ है। डे वन पर पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, जिसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 105 करोड़ के आसपास किया था, लेकिन लियो से पीछे है। हाँ, टाइगर थ्री के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में, जेलर को भी बीट डाउन कर दिया, लेकिन लियो से पीछे है, जवान से पीछे है, जो 2023 में थर्ड नंबर पर आ चुकी है, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ प्लस गई है ये मूवी, भाई ह्यूज कलेक्शन। इसके बाद आज तो सैटरडे है, पॉजिटिव रिव्यू मिले हैं, तो आज लगभग 120 करोड़ के आसपास ये मूवी ग्रो करती नजर आ रही है। देखेंगे उसमें अर्ली एस्टिमेट की वीडियो बनाएंगे, सेकंड डे कैसे, क्या कवरेज है, ऑक्यूपेंसी क्या है, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग अगर वीडियो पर एक लाइक, और आपको ये भी बता के जाना है कि भाई साहब ये मूवी 1000 करोड़ ठोक के मारेगी या नहीं मारेगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।